जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं के नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 बड़ू में राधा स्वामी सत्संग भवन को जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा गिरने से मकानों को खतरा पड़ गया है। बेशक पिछले साल अगस्त में हुई भारी बारिश के चलते सड़क के बहुत नीचे टांग से लहासा गिर गया था, जिस संदर्भ में स्थानीय लोगों ने नगर परिषद के आला अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन व विधायक को भी अवगत करवाया गया था। पर दुख की बात यही है कि सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र कार्य को करवा दिया जाएगा, पर अब क्षेत्र में हो रही निरंतर बारिश से अब सड़क का कुछ भाग गिर गया है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों की हालत पतली हो गई है तथा डर सता रहा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। लोगों को डर सता रहा है कि पिछले साल घुमारवीं क्षेत्र में पहले भी ऐसे घटना हुई है और कहीं दोबारा न हो जाए। ये सड़क के नीचे का कुछ भाग पिछले साल अगस्त में हुई भारी बारिश के चलते गिर गया था, जिसका निरीक्षण स्थानीय विधायक, प्रशासन व चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया था और आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र डंगा लगवा दिया जाएगा। पर अब सड़क के गिर जाने के कारण साथ लगते घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछली बरसात के समय अगस्त में जब भारी बारिश हुई थी तो सड़क के नीचे लगती डांक कुछ हिस्सा गिर गया था, पर सड़क का आधा हिस्सा ही गिर जाने के कारण मकानों को और भी खतरा बढ़ गया है। इन मकान मालिकों ने बताया कि जहां से सड़क का हिस्सा गिरा हुआ है उसके नीचे साथ ही सीवरेज व पानी की लाइन भी है। अगर अब थोड़ी सी बारिश होती है तो और कुछ भाग गिरता है तो इनको भी टूटने का खतरा बना हुआ है। अगर समय रहते नगर परिषद के अधिकारियों ने ठोस कदम नहीं उठाए तो अन्य विभागों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल अगस्त में जब भारी बारिश हुई थी तो उस समय प्रशासन ने तरपाल दिया था, पर कुछ दिनों पहले उसे भी उठा ले गए थे। इस समस्या को लेकर सभी मकानों के लोग मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिले हैं तथा मंत्री ने खुद घटनास्थल का दौरा कर प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई के आदेश दिए हैं। के कारण 25/8/2019 को एक बड़ा डंगा यहाँ से गिर गया जो पहले प्रशासन ने लगाया था। उसके बाद एक साल हो गया, किसी ने इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। आज मंत्री और प्रशासन अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसको लगा दिया जाएगा। डंगा गिरने से मकानों को खतरा बन गया है, इससे रात को सोना भी मुश्किल हो गया है, चिंता का। ये डंगा जो बरसात में हर बार थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, पिछले साल बरसात में इसका बहुत बड़ा पोर्शन जो डंगा बनाया हुआ था डिपार्टमेंट ने वो सारा चला गया, जिससे को 20 फुट का जो पोर्शन था जमीन का वो नीचे बह गया। उस टाइम भी प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि ये नुकसान पहुंचा सकता है यहाँ के मकानों को, तो आप इसको देखो और इसका जो कुछ कर सकते। सड़क जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर है और जमीन यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको दे रखी है इसी सड़क के लिए। इस सारे को देखते हुए जब पिछले साल कुछ नहीं हुआ तो इस बार ये बहुत ज़्यादा और आगे से चला गया और जो यहाँ पर मकान हैं उन सब के लिए ये एक खतरा बना हुआ है। और रात को भी हम यही सोचते हैं कि कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कह सकते।